गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सब आपने जो टेस्ट दिया है उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेम रिएक्शन आर। तो देखो भैया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर वन तभी हो सकता है जब आर इक्वल टू के ऑन ए का पावर क्या हो, जीरो। मतलब इसका आंसर होगा जीरो ऑर्डर, मतलब सेकेंड आंसर होगा। सेकेंड का आंसर क्या बोल रहा है, सेकंड का आंसर बोला ए ए टेंस टू बी बी एंड माइनस डी ए बाय डी टू इज इक्वल टू। ठीक है, आपका रिएक्शन क्या दिया हुआ, ए ए प्लस बी बी टेंस टू प्रोडक्ट है, तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन होगा माइनस वन बाय ए डी ए बाय ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन बाय बी डी बी ऑफ डी टी। और उसने वैल्यू किसकी पूछी है, उसने वैल्यू पूछी है माइनस डी ए बाय डी टी की, तो माइनस डी ए बाय डी टी आपके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए बाय बी डी बी बाय डी बी बाय डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है थर्ड मिल रहा है। ठीक है, माइनस ए बाई बी डी बी बाई डी टी। ठीक है, इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है फॉर द गैसियस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट किसमें, थ्री में होगा, एटीएम पर सेकेंड में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या, गैसियस रिएक्शन ए टू बी गैस में जा रहा है, हाफ सी गैस दे रहा है। ठीक है, तो शो दैट इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 मिलीमीटर टू 120 इन 5 मिनट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मतलब उसने माइनस डी ए बाय डी ए टू डी ए टू बाय डी टी उसने पूछा है, तो मतलब माइनस डी बाय डी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू बाय डी टी। तो प्रेशर कितना चेंज रहा है, 120 से 100 का चेंज आ रहा है 5 मिनट में, तो दैट्स नथिंग बट 20 बाय 5, तो दैट्स नथिंग बट 4। तो ये हो जाएगा आंसर 4 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा, फोर का आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, फोर का वन हो जाएगा आंसर। ठीक है, फोर का वन। फाइव की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट एट द हाईएस्ट रेट, वन मोल ऑफ ए और वन मोल ऑफ बी इन वन लीटर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपका ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का दोनों का क्या है, वन मोलर, वन मोल वन लीटर में तो वन मोलर हुआ। सेकेंड में भी क्या बोला, टू मोल ऑफ ए टू मोल बी टू लीटर, तो टू बाई टू मतलब वन मोलर, अगेन ये वन मोलर है। 3 मोलर बाय 3 लीटर में, तो अगेन 3 मोलर है, 3 मोल बाय 3 लीटर मतलब अगेन 3 मोलर हुआ, मोलरिटी 3 हुई, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन सबका सेम है, तो ऑल विल रिएक्ट विद द सेम रेट, तो आंसर 5 का फोर्थ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, अमाउंट करता है भैया, क्योंकि अमाउंट मतलब ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे रेट अमाउंट घटते जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होते जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑब्वियस बात है, गैसेस एचडीआर याद है मैंने बताया था, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो जिसमें पहले मैंने आपको देखा होमोजेनियस गैस रिएक्शन का सबसे ज्यादा होता है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट फर्क पड़ता है। ठीक है, साइज ऑफ द वेसल बिल्कुल, जहां अमाउंट की बात है मतलब कंसंट्रेशन, जहां कंसंट्रेशन वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो साइज ऑफ द वेसल पे भी डिपेंड करेगा, बट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये सब चीजें बात हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, देखो आप ऐसे भी सोचते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रेट ऑफ द रिएक्शन से क्या फर्क पड़ा, रेट ऑफ द रिएक्शन चार बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन मतलब प्रेशर और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, मीडियम पे एसिडिक मीडियम पर डिपेंड करेगा, एंड पीएच ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, लास्ट इलेक्ट्रिसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो इलेक्ट्रिसिटी, वो सब मैंने जो आपको 6 पॉइंट दिए थे जिसमें मैंने कभी भी डेल्टा एच कभी नहीं बताया, ये सब चीजों पे कभी डिपेंड करता ही है। ठीक है, इन अ रिएक्शन 2x plus y tends to give x2 plus y that the x disappears at। ठीक है, तो कभी इसमें कंफ्यूजन होना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 2x plus y tends to give x2y तो minus 1 by 2 d of x by dt is equal to क्या होगा, minus dy by dt is equal to plus d of x to y by dt, यह आपका रिएक्शन है। अब उसने क्या बोला है कि half the rate as the disappearance of x, disappearance of x आपको क्या क्या दिख रहा था, disappearance of x is twice of disappearance of y is twice of disappearance of x to y, sorry disappear is twice of disappearance of y and twice of appearance of x to y, इसमें कौन सा है, सेम एज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, नहीं सेम, ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस, ऑप्शन 4 साफ देख के मुझे पता चला कि ऑप्शन 4 मेरा क्या है करेक्ट है, देखने से पता चला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो क्या चीज
remains constant throughout increases decrease in the reaction process first increases that grow. Rate of the reaction क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. जैसे क्योंकि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, रेट भी घटता जाएगा. इसका मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. 3 ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, ए रिएक्शन इन्वॉल्व टू डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी इक्वल. अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट है तो वो सेकंड ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, बट वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है. सर यूनिमोलिकुलर मतलब एक रिएक्टेंट, ऑलरेडी आपने पार्टिसिपेट दो किए, तो ऑप्शन नंबर 9 का 3 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2A टेंड्स टू 3C. ठीक है, द रिएक्शन रेट आर इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज गिवन बाय. तो देखने से पता चला सेकंड आंसर करेक्ट है आपका. ठीक है, ये तो कर लिया होगा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 2A tends to 3C, 2A tends to 3C को रिएक्शन है, द रेट इन सॉरी ये नहीं है, सॉरी 10 नंबर था ना, तो 10 नंबर, हम 11 की बात कर रहे हैं. 2A A plus 2B tends to give C plus 2D, C plus 2D. ठीक है, बोल रहा है इनिशियल रेट T equal to 0 पे इतना था, तो dB by dt की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे पता है माइनस dA by dt उसने दिया हुआ है, और dB by dt कितना हो जाएगा, माइनस 1 by 2 dB by dt. ठीक है, माइनस से कोई मतलब ही वो जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट है. dA by dt की वैल्यू दी हुई है उसने 2.6 into 2.6 10 raised to minus 2, 2.6 10 raised to minus 2 is equal to 1 by 2 into x मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5.2 10 raised to minus 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सेकंड. ठीक है, 11 का सेकंड ऑप्शन होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 फॉर द रिएक्शन n2 plus 3 raised to the rate of change of the concentration of hydrogen is not the rate of change of ammonia. Again very easy question, N2 plus 3H2 twice of NS3. तो इसका कुछ मत करो, इसका रेट लिखो minus d of N2 by dt is equal to कितना हो जाएगा, minus 1 by 3 d of H2 by dt और is equal to plus 1 by 2 d of NS3 by dt. देखो हालांकि मुझे मतलब तो सिर्फ d of NS3 से, ये दोनों मैंने भी लिखा तो भी सही था, तो d of H2 by dt मेरे किसके बराबर होगा, d of H2 by dt बराबर होगा 3 by 2 d of NS3 by dt. ठीक है, सॉरी ये टू इधर आ जाता था. ठीक है, सॉरी तो d of NS3 by dt किसके बराबर होगा, d of NS3 by dt बराबर हो जाएगा d of H2 की वैल्यू 3 है, मतलब 2 by 3 into और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन 3 into 10 raised to minus 4 0.3 है ना, 0.3 into 10 raised to minus 4, तो दिस कैंसिल, मतलब 0.2 into 10 raised to minus 4, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उस तरीके से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. देखो एवरेज का है ये और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, दोनों है, तो ऑप्शन सी इज द थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 13 का. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 2b plus a tends to give 2c. ठीक है, 2b plus a tends to give 2c, आगे इसका रिएक्शन लिख लो, 2b plus a, 2b plus a give 2c, इसका मतलब जो रेट होगा minus 1 by 2 dB by dt is equal to minus d of a by dt or is equal to minus 1 by 2 dc by dt, dc by dt. अब इसका मतलब क्या होगा, मैच करेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b इज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ c, नहीं गलत है, c के बराबर दोनों का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a इज ट्वाइस दैट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी. हाँ ये भी सही नहीं है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. हाँ अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 इधर चला जाएगा, तो ऑप्शन मेरा क्या करेक्ट है, 14 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 3. क्योंकि आप देखो ना, ये 2 इधर जाएगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है मेरा, इसका 3 आंसर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 15 बोला a प्लस b था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होमोजेनियस एलिमेंट्री रिएक्शन नंबर a प्लस b फर्स्ट ऑर्डर मतलब दो टोटल ऑर्डर हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा 3 सेकंड मोल इनवर्स लीटर तो ऑफ 15 का आंसर हो जाएगा 3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला था रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा इंपॉर्टेंट है देख लीजिए ठीक है रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया r is equal to k a का पावर n और b का पावर m a का पावर n है और b का पावर m है ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a तो 2 का पावर n हो जाएगा और वॉल्यूम को हाफ कर रहा है b का तो वॉल्यूम हाफ है तो कंसंट्रेशन डबल हो गया तो 2 का पावर क्या हो जाएगा n तो न्यू रेट इज हो जाएगा 2 का पावर n प्लस m टाइम्स कितना टाइम्स हो जाएगा 2 का पावर n प्लस n टाइम्स तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट टाइम है ठीक है ये सभी क्वेश्चन मैंने दिया चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट पावर ऑर्डर 17 नंबर वाला कंसीडर द रिएक्शन 2a प्लस b टेंड्स टू c प्लस d इज द रेट ऑफ द एक्सप्रेशन ठीक है रेट ऑफ द एक्सप्रेशन k a स्क्वायर और b का पावर 0 दिया है रेट का एक्सप्रेशन ये मुझे इसी से मतलब है इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/3 वॉल्यूम 1/3 होगा तो कंसंट्रेशन डबल हो गया कंसंट्रेशन डबल हो गया मतलब 9 टाइम्स बढ़ जाएगा ना 3 का स्क्वायर तो रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा ठीक है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 का 2 इसका 3 हो जाएगा ठीक है 18 नंबर की बात करते हैं 18 नंबर क्या बोल रहा है 18 नंबर बोल रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन इज न्यूमेरिकली फॉर सेम फॉर द सेम फॉर थ्री रिएक्शन ऑफ फर्स्ट अच्छा रेट कांस्टेंट तीनों का सेम दिया हुआ r1 इक्वल टू k a का पावर 1 r2 इज इक्वल टू k a का पावर 2 और r3 इज इक्वल टू k a का पावर 2 जब ये सर नंबर है और अगर a ग्रेटर देन 1 है अगर उसने ऐसा बोला है कि फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर व्हिच ऑफ द थ्री ट्रू फॉर रेट ऑफ थ्री रिएक्शन इफ 1 मोल अगर 1 मोलर से ज्यादा मैं मान लेता हूं 2 मोलर r इज इक्वल टू 2 आएगा k को 1 मान लेता तो k 1 तो r1 की वैल्यू अगर a को मैं कितना मान ले रहा हूं 2 मान ले रहा हूं k को वैल्यू 1 मान लेता हूं मैं तो r1 कितना आ जाएगा 2 r2 कितना आ जाएगा 4 और r3 कितना आ जाएगा 8 तो आपको देखने से पता चला r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r1 ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है अज्यूमिंग दैट H2O2 + 3 और -2H + 10 = 12 The effect of the rate of the reaction brought by building the concentration of I minus without changing the order, ठीक है? The rate to decrease by, ठीक है? अगर rate जो है I minus पे कैसा depend करेगा -1/3 d of I minus by dt, ठीक है? Rate किस तरीके से I minus के ऊपर depend कर रहा है? तो क्या effect डालने पर by doubling the concentration of I minus, अगर concentration को double कर दिया गया अच्छा एलिमेंट्री रिएक्शन पहले तो समझो एलिमेंट्री रिएक्शन है सबसे बड़ी बात है एलिमेंट्री तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i माइनस का पावर 2 तो रेट इसको डबल करने से तो 2 का पावर 3 टाइम्स हो जाएगा मतलब 8 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एलिमेंट्री रिएक्शन तो 19 का आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं मैं चलो क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फैक्शन ट्रू स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3 बिल्कुल ट्रू है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये भी ट्रू है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने ये स्टेट ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है क्यों मॉलिक्युलरिटी नॉर्मल रिएक्शंस आप देख लेंगे आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है जो नेचुरल ऑकरिंग रिएक्शन होता है उन्हीं से आप मॉलिक्युलरिटी निकालते हैं तो ये ऑप्शन इसका क्या हो चुका है गलत हो चुका है ठीक है क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 21 की ठीक है देखो क्वेश्चन बिल्कुल नीट के लेवल के बेसिस पर मैंने दिए हैं बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कुछ है नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं ओके नाउ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 चलो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं हमारे 25 क्वेश्चन और बचे 21 वाला एक कैटलिस्ट कैन नॉट रेट देखो रेट कांस्टेंट चेंज कर सकता है कैटलिस्ट जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना ln k2 / k' तो ea - ea' / t2 - t1 वो फार्मूला है तो कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट चेंज करता है ठीक है
एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज करता, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम का टाइम घटा बढ़ा सकता है वो, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 21 का सेकंड आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टर मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट विद थ्रेशोल्ड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये गलत हो गया एक्चुअली, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन नंबर 22 का ग्राफ याद होगा, तो ग्राफ में कुछ ऐसा दिया था, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता था और ये ईआर होता था, और इनका डिफरेंस होता था आपका क्या, एक्टिवेशन। तो डिफरेंस बोलता तो ये ऑप्शन करेक्ट था, बट यहां से सम बोले इसलिए आंसर इनकरेक्ट है, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 टाइम्स विद एवरी 10 राइज इन डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, इफ वी रेज द टेंपरेचर बाय 40 डिग्री सेल्सियस द न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। देखो बात को समझो, आर उसने इनिशियल रेट डायरेक्ट बोला है कि उसने डायरेक्ट बोला कि रेट कितने से चेंज होगा, और डायरेक्ट उसने डेल्टा टी बाय 10 कर दिया, डायरेक्ट 10 से बार बार बढ़ा रहा, तो कितने कितने टाइम्स बढ़ा रहा है। अल्फा की वैल्यू उसने कितनी बोली है, अल्फा की वैल्यू उसने बोली है रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ठीक है, इफ वी रेज द टेंपरेचर, ठीक है। तो 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टोटल मेरे पास कितना था 40 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना 2 का पावर 4, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 का पावर 4 4 16 टाइम रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। 16 टाइम क्या हो जाएगा, रेट मेरा इंक्रीज होगा। फार्मूला मैंने आपको क्लासरूम में बताया हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। तो ऑब्वियस बात है 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, जितने मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, इतना डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, तो व्हाट इज दैट, तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये होता है। तो ये 60 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ आपको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड दिया हुआ है 150 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 90 प्लस किलो जूल, 90 प्लस किलो जूल हो जाएगा, तो दैट्स नथिंग बट थर्ड आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, ऑलरेडी देखने से पता चल रहा है दो स्टेप का प्रोसेस है, दो स्टेप का प्रोसेस, और स्टीप वन का ग्राफ ज्यादा ऊपर है, स्टीप टू का पहाड़ नीचे है, तो जिसका पहाड़ ऊपर होगा स्लोवर होगा, इसका मतलब स्टेप वन इज स्लोवर देन स्टेप टू, ऑप्शन वन इज करेक्ट, देखने से समझ में आ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन में 27 द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल फिजिकल ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल टेंपरेचर, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस, देखने से समझ में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, कैसे समझो बात को, मुझे पता है 28 की बात कर रहा हूं ना, 28 की ln k बराबर होता है ln a माइनस ea बाय rt, तो ea बाय rt किसके बराबर हो जाएगा, ea बाय rt बराबर हो जाएगा ln a बाय k, तो यहां से समझ में आ रहा है ln a बाय k इक्वल टू ea बाय rt, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 29 नंबर क्या बोला, 29 नंबर होता है टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ द सर्टेन रिएक्शन इज 1 2 बी 3, मतलब अल्फा की वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 3 दिया हुआ है, 25 से 55 बढ़ रहा है, मतलब r 25 by r 25। ए क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रेट कांस्टेंट एट इनफिनाइट टेंपरेचर, आपको याद होगा मैंने, अगर ए की वैल्यू ए डॉट ई ए बाय आरटी और टेंपरेचर मैंने क्या कर दिया लिमिट टेंस टू इनफिनाइट कर दिया, तो के की वैल्यू ए के बराबर होती थी, तो वही इसने यहां पे इसने पूछा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, 31 क्या बोल रहा है, 31 मैंने बोला है 2a plus b tends to 3c plus d which of the following does not express the reaction rate, ओके, तो देखो बी सही है, सी सही है और डी भी सही है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि सी जो है सी के आगे नेगेटिव नहीं हो सकता है, सी एक प्रोडक्ट है। देखो आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ है, 2a plus b tends to give c plus d, तो रिएक्शन रेट एक्चुअली माइनस 1 बाय ए डी ए बाय डी टी होना चाहिए, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी टी होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस डी सी बाई डी टी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लस डी डी बाई डी टी,
तो ऑब्वियस बात है इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है। ऑप्शन वन इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, 32 क्या बोला है, इक्वलिटी एन टू वाई होने वाला दिया, रिलेशनशिप बिटवीन डायट एन एस थ्री, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट भी था, दिक्कत होगा सर पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर है। 33 क्या बोला है, फॉर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टेंड्स टू बी द रिएक्शन रेट एट कंसंट्रेशन इतना इज फाउंड टू बी इतना, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द इतना कितना होगा। ठीक है, तो रिएक्शन रेट दिया हुआ है और रेट मुझे पता है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 33 देखो, R is equal to KA लिख सकता हूं मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन उसने कितना दिया 0.01 दिया हुआ है, और उसने मुझे पूछा कि हाफ लाइफ पूछा है, देखो हाफ लाइफ पूछा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो A का पावर 1 हो जाएगा, और रिएक्शन कितना दिया 2 × 10 का पावर -5, तो 2 × 10 का पावर -5 इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.693/t½ × 0.01 × 0.01, तो आप इसको कितना कर सकते हो, इसका यहाँ पर टी हाफ जो आएगा वो आएगा 347। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर ऑफ द अल्कली वन मेटल अंडरगो डीके बाय एमिशन ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्स है जिसमें एटॉमिक नंबर लेट मैं जेड मान लेता हूँ और मास नंबर में मान लेता हूँ ए, कितने 3 अल्फा पार्टिकल, मतलब 3 अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल 2 और 4 3 अल्फा पार्टिकल रिड्यूस किया, मतलब ये है इसका मास ना, इसका जो मान जो ये पेरेंट एलिमेंट है और ये डॉटर एलिमेंट है, तो डॉटर एलिमेंट में ये डोंट वरी, ये क्वेश्चन मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के पहले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है, एएफएमटी प्रीलिम्स का देखो क्वेश्चन है 2005 में, और इसके बाद भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर कभी मान लो वाई बना रहा है, मतलब 6 से एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा, और ये कितने टाइम से डिक्रीज करेगा 312 ए -12। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल विच रिजल्टिंग द डॉटर एलिमेंट वुड बी, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2, तो कितने से डिक्रीज करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप 6 का आंसर होगा, इसका 34 का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल आप लोग सिलेबस मान के चलो, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, 35 का आंसर रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय फैक्टर 4 एंड इफ द कंसंट्रेशन बी इज डबल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट विल बी। ठीक है, क्या बोला है, लेट आर का पावर ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। ठीक है, ऑर्डर मुझे नहीं पता, रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय फैक्टर 4, डिक्रीज बाय फैक्टर 4 जब बी को डबल किया, बी को डबल करने पर और ए कांस्टेंट रखने पर ये डिक्रीज कर रहा है 4 से, इसका मतलब ये होगा ये ऑर्डर होगा -2। ठीक है, डबल करने पर ये 1/4 टाइम डिक्रीज हुआ वो, तो बी का -2 हो जाएगा बराबर, 35 का आंसर क्या हो जाएगा 2, 35 का हो जाएगा 2 बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, द रिएक्शन 50% इन 2 आवर 75% इन 4 आवर, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, आपको पहले बताया था मैं, टी हाफ 75% जो होता है वो हाफ ट्वाइस ऑफ टी हाफ होता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपको देखना सर एसएस टाइम टेबल का यहीं पे यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कौन-कौन सा और ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन है, k2/k1 - a, ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है फोर्थ भी करेक्ट है इसका। ठीक है, सेकंड और फोर्थ दोनों करेक्ट है, फॉर्मूला है हमने पहले देखा है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ 2 ग्राम सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई x is 15 minutes, the half life time of 1 gram, half life कभी भी first order के लिए mass पे depend, मतलब mass पे depend, initial concentration पे depend नहीं करता, मतलब mass पे भी depend नहीं करता, इसका मतलब पहले 1-2 gram के लिए भी अगर 15 minute है तो 1 gram के लिए भी 15 minute ही होगा, answer second 38 का। question number 39, rate of the reaction twice of N2 by 4 of N2 can be written expression as, ठीक है, 39 थोड़ा important है, 39 क्या बोल रहा था हम लोग, twice of N2O5 tends to give 4 of NO2 plus O2. हाँ, तो rate बराबर हो जाएगा -1/2 d of N2O5 by d
डी ऑफ एनओ टू बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ ओ टू बाई डी टी। तो पहले उसने देखो के डैश और के बीच में पूछा, मतलब एन टू ओ फाइव एनओ टू का रिलेशन पूछा, तो पहले दोनों के इक्वेट करता हूँ, वन बाई टू डी ऑफ एन टू ओ फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई फोर डी ऑफ एनओ टू बाई डी टी, डी ऑफ वन बाई टू एज इट इज रहेगा, डी ऑफ एन टू ओ फाइव बाई डी टी क्या दिया उसने, k ऑफ एन टू ओ फाइव, के ऑफ एन टू फाइव दिया हुआ है, और वन बाई फोर एज इट इज रहेगा, डी ऑफ एन टू बाई डी टी दिया, डी ऑफ एन टू बाई डी टी दिया उसने, के डैश एन टू ओ फाइव, के डैश एन टू ओ फाइव, एन टू फाइव एन टू फाइव कैंसिल, तो k डैश बराबर कितना हो जाएगा, k डैश बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k, ठीक है। उसी तरीके से वन एंड के के और के डैश के डबल डैश मतलब वन बाई टू डी ऑफ एन टू ओ फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ऑफ ओ टू बाई डी टी, मतलब वन बाई टू इंटू के एन टू ओ फाइव टेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डबल डैश एन टू ओ फाइव दिस और दिस कैंसिल, तो के डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय टू। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, एक एक मिनट में। ये रिएक्शन दिया है C6H12O6H2+, ठीक है, इतना रिएक्शन है। Which of the following is not affected by addition of catalyst? इक्विलिब्रियम का टाइम, कभी इक्विलिब्रियम का टाइम स्पॉन्टेनिटी, हाँ इक्विलिब्रियम का टाइम भी इफेक्ट करता है, क्योंकि वो घटा भी सकता बढ़ा भी सकता, फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा सकता घटा सकता, बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा सकता घटा सकता, बट स्पॉन्टेनिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती इसके ऊपर, ठीक है, कैटलिस्ट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की देख बात करते हैं, 41 की बात करते हैं, 41 देखो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 41 का देखो कैसे क्वेश्चन करना है, क्या बोल रहा है, x plus b tends to, अच्छा दिया हुआ है ओवरऑल रेट ऑफ एक्सप्रेशन, तो मुझे पता है स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, k x into b, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में x और y नहीं आना चाहिए, तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन में आपको x को हटाना पड़ेगा, तो हमेशा कभी भी याद रखना, कभी भी इंटरमीडिएट आ जाएगा तो हमेशा देखना कि उस आगे पीछे ऊपर नीचे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का रिएक्शन जरूर होगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का रिएक्शन का ऊपर वाला, तो इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम को मैं क्या लिख सकता हूँ, के वन बाई के टू इंटू, ठीक है, या के इक्विलिब्रियम लगता है, ठीक है, नॉट के वन के टू, और इसको क्या लिखूंगा, एक्स कंसंट्रेशन बाय ए का स्क्वायर, एक्स कंसंट्रेशन को क्या किससे रिप्लेस कर दूंगा, के इक्विलिब्रियम इंटू ए स्क्वायर से, तो पुट कर दो यहाँ पे, R बराबर क्या होता है, K into K equilibrium A square into B, तो constant into constant नया constant देगा, तो K dash A square into B, तो याद रखना कभी वैसे क्वेश्चन में अगर रेट का एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ गया, गलती से भी इंटरमीडिएट आ गया, तो हमेशा किसी मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम जरूर मेंशन होगा, जहां इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उस फॉर्मेशन वाले इंटरमीडिएट रिएक्शन को आप इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन को रिप्लेस कर दो, तो वहां से आपको एग्जैक्ट रेट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 मान के चलो तुमने कर लिया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया है, तो 42 का टेस्ट में आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा 3, तो बी क्यूब ए जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। 43 क्या बोला है, 5760, चलो ठीक है, 43 अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख लेते 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव C14 इज 5760, इन हाउ मेनी इयर्स 200 मिलीग्राम ऑफ C14 विल रिड्यूस टू इतना, ठीक है, उसने हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा ln 2 / k, तो k बराबर कितना हो जाएगा, ln 2 by 5760, और पूछा कितने टाइम में ln 200 से 25 मिलीग्राम हो जाएगा, कितने टाइम पे 200 से 25 हो जाएगा, ये आपको पता है ln 2 by 5760 is equal to 1 by t, इसलिए मैंने बोला था ये कितने टाइम पे जाएगा, ln 8 टाइम, तो ln 8 को क्या लगता है 2 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 3 ln 2 by t, ln 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 3 × 5760, मतलब इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 17280, कितना हो जाएगा 17280 ईयर, 17280 ईयर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 44 ए केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कैटलिस्ट एक्स हेंस रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सो इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ठीक है इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है ठीक है बाकी सब चेक एंथैल्पी को भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा ठीक है ये भी स्टेटमेंट गलत है डिक्रीज द रेट कांस्टेंट ये भी स्टेटमेंट गलत है क्यों मुझे नहीं पता घटा भी सकता बढ़ा भी सकता तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं डिक्रीज कर देगा और इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ये भी नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता कैटलिस्ट कौन सा है इससे मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा सेकंड होगा ठीक है अगर देखो जो 45 भी क्वेश्चन है 45 भी कुछ नहीं जो रिएक्शन आपको दिया हो वो अपने आप एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका आंसर होगा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा जब कुछ ना दिया जाए उसका एलिमेंट्री रिएक्शन मानिए तो अपने आप आपको ऑर्डर निकल जाएगा ठीक है डायरेक्टली देख के आप ऑर्डर तो भी नहीं बता सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को हमको इस तरह सॉल्व करना है तो आई होप सब तक आपने जो किया होगा बाकी मेजर टेस्ट के अलावा अच्छे से पढ़े और अच्छे से स्कोर करिए उसमें ठीक है तो थैंक यू।